नीम करौली बाबा जी, जय नीम करौली बाबा जी, जय नीम करौली बाबा जी, जय जय नीम करौली बाबा जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? सब बढ़िया? यहाँ भी सब बढ़िया है और सफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरी सुबह जो है ना अब हो रही है, क्योंकि आजकल जो है कि हालत खराब हो रही है काम से। तो आज हमारा फाइनली जो है कि थोड़ा रेस्ट वाला डे है। तो आज ना मैंने सोचा कि आज डेली ब्लॉग्स बना दो। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, और कुछ लोगों ने बोला था कि अपना डेली ब्लॉग्स बना दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज डेली ब्लॉग्स स्टार्ट करता हूँ और आपको भी पता चल जाएगा डेली ब्लॉग में दिखाने के लिए क्या क्या बहुत कुछ नहीं है। और आज क्योंकि ऑफिस में ना पार्टी होने वाली है, मतलब कि दिवाली सेलिब्रेशन होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी चीज को कवर करूँ, तो आपको पता भी चल जाएगा कि डेली ब्लॉग्स में मैं क्या 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 करता हूँ। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो फिलहाल सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले पानी पी रहा हूँ और ठीक मेरे सामने है जी महाराज जी। तो मैं चलो सबसे पहले उनके दर्शन करा देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे मैं सोता हूँ और ऊपर है जी महाराज जी, तो मेरे ऊपर हमेशा महाराज जी रहते हैं। और ये हमारा छोटा सा मंदिर जहाँ पे कि महाराज जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है। और ये है मेरी केदारनाथ जी की यात्रा, ये है मेरे काशी विश्वनाथ जी की यात्रा के विश्वनाथ जी और भोलेनाथ जी। अभी मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे ही कलेक्ट करनी है बहुत जगहों से। मैं सोच रहा हूँ यार कि लोग डेली ब्लॉग्स बनाते कैसे होंगे, तो मेरे तो समझ आता नहीं है। तो अभी देखो हमारे बाहर पूरा का पूरा वो लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा अभी पूरा रोड खराब हो रखा है। तो आपको कैसा लगेगा सुबह सुबह मैं आपको ये सब दिखाऊं, मतलब डेली ब्लॉग में ये सब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बाकी देखते हैं, आपको अगर पसंद आएगा तो ग्रोरी बनाएंगे, नहीं तो ट्रैवल ब्लॉग बनाएंगे। यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। चलो मैं आपको थोड़ा सा पूजा दिखा के लेके आता हूँ। तो यहाँ पे है जी हमारा मंदिर, बहुत ही सामने है, पड़ोसी हमारे बजरंगबली जी, यहाँ पे होने लगी पूजा। तो आजकल पानी में इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, तो यहाँ पे तो मतलब उतना नहीं हो रहा है। अभी मैं हम रामनगर जाएंगे तो रामनगर में देखते हैं कि कितनी ठंड होती है। टाइम हो चुका है जी 9 और हमारा इसमें हो रखा है जी पूजा कराई। जय नीम करौली बाबा जी की, जय बजरंग बली, जय। तो ये है जी नीम करौली बाबा जी की मूर्ति, जो कि मैंने एक भानु भैया थे उनसे मंगवाई थी। मुझे बहुत ही प्यारी मूर्ति लगती है, क्योंकि सेम जैसे आप ये फोटो देख पा रहे हो ना, तो वैसी ही मूर्ति ये है, बहुत अच्छी लगती है। तो मूर्ति को देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी मैं बाबा जी के यहाँ पे पैर दबाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद बाबा जी के पास हूँ। और ये सबसे अच्छा फील मुझे मतलब मूर्ति ला के आता है, नहीं तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी मैं पैर छूता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं खुद बाबा जी के पैर छू रहा हूँ। और थैंक यू सो मच भानु भैया, आपने मुझे इतनी खूबसूरत मूर्ति दी। तो ये है जी हमारा सुबह का नाश्ता, बहुत ही घी से लबालब दलिया, और ये हमारी फेवरेट चाय। तो आज थोड़ा सा जुखाम उखाम हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का ही खाते हैं। तो चलो खा के आपको मिलते हैं। तो चलो जी 9:20 हो चुके हैं और अब हम से निकल रहे हैं, क्योंकि 10 तक मुझे ना ऑफिस पहुंचना होता है। तो रोड तो अभी यहाँ पे ख़राब हो रखी है पूरी, और हम जाएंगे साइड से। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है जी यहाँ पे बजरंग बली जी का मंदिर। तो मेरे ठीक सामने बजरंग बली के दर्शन हो जाते हैं मुझे सुबह भी और शाम को भी। जय बजरंग बली।
वैसे तो आज हमें बुलाया था जी एथनिक में, क्योंकि सब लोग एथनिक में आएंगे और हमें थोड़े सख्त टाइप के लौंडे, तो मुझे अजीब सा लगता है, मतलब जब भी मैं मेट्रो में जाना ऐसा लगता है कि पता नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सा लगता है। तो देखते हैं अभी कि कितने लोग ऑफिस में एथनिक पहन के आए हुए हैं। अभी मैं दिखाता भी हूँ ना आपको कि मेट्रो में जो है कि कितने लोग पहन, मतलब सच के आते रहते, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि यार शादियों में जैसा लगता है, बट अभी देखते हैं मेट्रो में कैसा रहता है। आज थोड़ा क्राउड कम दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर ना बहुत सारा क्राउड रहता है। यहीं से अभी आगे, मतलब एक बार जब मेट्रो बंद हुई थी ना बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बट अभी फिलहाल ठीक है। ट्राई करिए कि जब भी आप मेट्रो में आते हैं ना तो सीढ़ियों का यूज करो, क्योंकि ज्यादा मोटे नहीं होते, मैं अभी बहुत मोटा हो गया हूँ। और आज प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल खाली का खाली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि 5 डे वर्किंग वाले रहे होंगे, तो कल निकल गए होंगे। मेरा भी था कभी कि मैं 5 डे वर्किंग वाला था, बट अब तो नॉर्मल आम आदमी हो चुके हैं हम, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज शाम को तो वैसे भी हम निकल ही जाएंगे। हमारी मेट्रो भी जो है ना आ चुकी है, आज तो सारी मेट्रो खाली की खाली है, इधर भी खाली, इधर भी खाली। पहुंच गए हैं जी हम अपने स्टेशन पे। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ना बहुत क्राउड रहता है, मतलब उतरने की जगह नहीं होती, बट आज फिलहाल तो ठीक है। तो कुछ कुछ लोग तो हमें दिखने लग गए हैं साड़ी सूट में, बट लौंडे अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लौंडे ना मेरे जैसे सख्त है, तो लौंडे कोई पहन के दिख नहीं रहा अभी। आज के हिसाब से ना बहुत ही कम क्राउड देखने को मिल रहा है, मतलब वैसे नॉर्मली इतना रहता नहीं है, बट मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शाम को थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको जाने में, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं रहेगी तो आराम से हम जा पाएंगे, क्योंकि कल मेट्रो में इतनी सारी भीड़ थी ना भाई साहब। जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, तो वहाँ से मुझे बहुत कम लगी, मतलब जिन्होंने सलवार कुर्ता वगैरह मतलब एथनिक पहन रखा होगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही पहने ही हो सक, बहुत सारे लौंडे जो है ना सख्त हो चुके हैं। कुछ कुछ तो थे अभी भी मतलब वहाँ पे, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे यार कल, क्योंकि सारे लोग 5 डे वर्किंग वाले रहे होंगे ना, तो कल बहुत सारे एथनिक पहन के आए हुए थे। तो चलो जी ऑफिस तो हम पहुंच चुके हैं, अब ऑफिस में देखते हैं कि कितना सारा डेकोरेशन हो रखा है, क्योंकि गेट पे तो लगी रखे हैं माला वाला, और अंदर हमारे ऐसे कुछ ये लगे हुए हैं, डेकोरेशन तो कर ही रखा है यहाँ पे। पार्टी हमारे दूसरे वाले ऑफिस में होगी, बाकी यहाँ से तो थोड़ा बहुत सुंदर ही लग रहा है। तो अंदर जा के देखते हैं कि अंदर कैसा है। वाओ यहाँ पे लग रहा है ना अच्छा सा। तो ये है जी रंगोली बनी हुई है फूलों की, यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ही प्यारा लग रहा है। वहाँ पे है जी कान्हा जी। तो मैं तो सोच रहा था कि कोई पहन के नहीं आया कुर्ता पजामा, और मतलब मैं भी नहीं, मतलब ऐसे ही पागल सा बन के आ गया। तो सबने ना मेरे डिपार्टमेंट वालों ने सबने पहन रखे हैं, और मेरे लिए तो अब आफत की बात हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मुझे भी पहनना पड़ेगा। तो चलो अब आपको ना थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं ना जल्दी जल्दी से पहले कुर्ता पजामा पहन ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने तब देखा, मैंने सोचा था ना कि जब कोई देखूंगा पहले किसी ने पहना होगा तो तब मैं भी पहनूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। सुलो जी आ चुके हैं हम आपके बीच में, सीसा ऐसा लग रहा है। तो ये हम आ चुके हैं, और ये बहुत नया नहीं है, इसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है बार बार कपड़ों पे खर्च करना, तो मुझे ट्रैवल पे खर्च करना बहुत पसंद है, बट इस पर नहीं। तो यार पता कैसा होता है कि अगर मैं पहन के आया हुआ तो किसी ने पहने नहीं होते ना, फिर मुझे वो भी बेकार लगता, और अभी सब पहन के आ गए, मैं नहीं पहना तो वो भी मुझे बेकार लग रहा था, बट कोई बात नहीं अब तो पहन लिए, तो अब हम चलते हैं जी। तो बताइए जी कैसे लग रहे हैं, थोड़े बहुत ठीक ही लग रहे होंगे, बाकी नहीं भी लग रहे होंगे तो क्या हो गया, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं बाहर। तो अभी मैंने सुना है कि मेरे को मिलने यहाँ पे कोई आने वाला है, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे वैसे अजीब सा लग रहा था ऐसे में मार्केट में जाने में, बट अभी तो लेके जा रहे हैं, चलो देखते हैं कौन आ रहा है। अभी जी हमको मिलने वाले
किधर जा रहे हो? नमस्ते, ठीक ठाक? तो अभी हमसे मिलने आ रखे हैं जी, बहुत दूर से। पापा जी ना आज छुट्टी के दिन यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारे साले साहब जी, ये हमारे पापा जी। कैसा लगा था छुट्टी के दिन? मजा आया। पापा ऐसे छुट्टी के दिन आते नहीं, बट आज आ गए पहली बार। तो चलो, पापा भी शाम को कल पहनेंगे ना, कल या परसों पहनोगे कुर्ता पजामा। चलो जी, अब हो चुका है 3:15। अब मैं आपको ना अंदर दिखा देता हूँ कैसा लग रहा होगा। यहाँ पे तो डेकोरेशन सही सही सा हो रखा है। अब अंदर देखते हैं कि कैसा हो रखा होगा। बल यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे सही यूज़ कर रखा है इस चीज़ का। और यहाँ पे हो रहा है कुछ, इधर जाना है शायद अंदर। काफी अमित जी और संजय सिंह का काफी गुस्सा इधर से उधर हो गया, तो फिर उन्होंने थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी कि अरे करवा लिया कर यार, तेरे ही सही है। तू अच्छे काम भी तू ही करता है, खराब काम भी तू ही करता है। अपना आएंगे बैठेंगे, इन्होंने अपनी एक कॉपी उठानी है, जाएंगे बाबा जी के पास। बात तो होगी ना, तो इस जगह का वेट मुझे बहुत टाइम से था, बट अभी तो बहुत भीड़ लग रही है, सारे ऑफिस वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर में जाऊँगा, जब खत्म हो जाएंगे, खाना भी खत्म हो जाएगा। सो लो जी, ये आ चुका है आपका गिफ्ट। वहाँ पे तो मैं ब्लॉग जो है ना बना नहीं पाया, तो मैं यहीं पे आ गया हूँ अपने सीट पे। वहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब हम आ चुके हैं, और खाना खाने के लिए तो बिल्कुल भी वहाँ पे जगह नहीं थी। तो हमको मिल रहा है ये, जिसमें पता नहीं क्या है, और एक मिठाई का डब्बा। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, तो मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से। सुबह दलिया खाया था और उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मिले, वैसे मिल तो रहा है, बट मुझे लाइन लगाना थोड़ा अजीब से लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो छोड़ो, रहने देता हूँ। और अभी मैं घर ही चला जाता हूँ, टाइम भी 4:15 हो गए, आई थिंक 4:30 हो गए हैं, और अब मैं घर जाता हूँ। तो यही था छोटा सा ब्लॉग। अभी मैं उधर जाके देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो ठीक है, खाने खाने के लिए कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार मैं कोशिश करके और देख लेता हूँ कि कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो चलो। तो बहुत मिन्नतों के बाद हमें एक सामने ये मिल रखा है, इसी को खा लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे घर को। थैंक यू जी, दोबारा आने का यहाँ पे फायदा तो हो गया, एक एक वो मिल गया हमको। अभी यहाँ पे छोटा भटूरा भी मिल गया, ले लो। तो थोड़ी देर सबर करा था, तो सबर का फरार आराम से अच्छा हुआ, मीठा हुआ, सारा कुछ खा लिया। क्या क्या खाया था? बहुत सारी चीजें खा ली, नहीं तो मैं तो हिम्मत हार के जाने वाला था, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा जाया नहीं जाता ना ऐसा करके। तो सर के साथ चला गया था मैं आराम से। अब जा रहे हैं जी हम घर की ओर, और टाइम भी हो चुका है, 5 बज चुके। सो चलो जी, आज का ब्लॉग नहीं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ट्रैवल वीडियोस के लिए। अभी मैं जाऊँगा शाम को जी रामनगर, और फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा कि रामनगर में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। दिवाली मनाएंगे अपने घर में, ठीक है? तो 2-3 दिन अराउंड वेनसडे तक मैं रहूँगा जी रामनगर में, इसके बाद आ जाएंगे हम वापस से दिल्ली, ठीक है? तो ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।